आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, मुझे जॉब कैसे लगा इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कुछ चीजें मैंने करनी नहीं चाहिए थी लेकिन मैंने की थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं करनी है, जो कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है ताकि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है वो खास करके इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप जब लास्ट ईयर में हो तो आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर नजदीक आने लगता है, आपको जॉब की भी जरूरत होती है, तब आपको क्या करना होता है, तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप बताओगे कि आप हमें जानकारी क्या दोगे, यार मुझे एक्सपीरियंस है, कैसे मुझे जॉब मिला, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम जब भी फार्मेसी रिलेटेड कोई अपडेट यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो देख लीजिए, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर फोर्थ ईयर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं लास्ट सेमेस्टर में था, एट्थ सेमेस्टर में, तो एट्थ सेमेस्टर तो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में हो चुका था मेरा फ्रेंड्स, 2022 में मेरा जो भी लास्ट सेमेस्टर यानी कि एट सेमेस्टर की एग्जाम चल रही थी। तो एग्जाम होने के बाद क्या करें क्या नहीं, तो इन जो चीजें हैं तो दिमाग में चल रही थी कि यार एक साइड में मेरा जो सेमेस्टर का स्टडी था वो चल रहा था और एक साइड में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आगे क्या करना है, जॉब कैसे करे, कैसे जॉब ढूंढे। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैं लास्ट ईयर में गया तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिज्यूम अपलोड कर दिया था, जो इंडीड होता है, placement.com होता है या फिर naukri.com होता है, उसके ऊपर मैंने रिज्यूम अपलोड किया था। बाकी जो भी जैसे कि कुछ जॉब गूगल के ऊपर आप जैसे जॉब सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ मेल आईडीज मिलेगी, कंपनी की मेल आईडीज, तो उस कंपनी के मेल आईडीज में मैंने वहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर दिया था। तो ये सभी चीज़ें की थी लेकिन किसी का मुझे कॉल नहीं आया, अब तक कॉल नहीं आया। मुझे जॉब मिल गई है लेकिन अब तक कॉल नहीं आया, ये क्यों मुझे भी पता नहीं, ताकि वो मेरी जो भी प्रोफाइल है उनको पसंद नहीं होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अब मैं अच्छी जॉब मिल चुकी है मुझे, मैं अच्छे से यहाँ पर सेटल हो चुका हूँ। तो फ्रेंड आगे क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई कॉल वगैरह नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया था, एक मेरा फ्रेंड था तो फ्रेंड के साथ हम जो पुणे सिटी, तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, तो पुणे सिटी में यहाँ पर हमने कुछ कंपनीज थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो गेट सिक्योरिटी गार्ड, जो गेट होता है ना स्टार्टिंग कंपनी का स्टार्ट, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा हमें, आपके पास कोई रिज्यूम होगा या फिर जो भी एचआर है तो एचआर की अपॉइंटमेंट लेटर होगी तो हमें दिखा देना ताकि हम आपको आगे जाने देंगे। तब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं जो मेरा फ्रेंड्स है कंपनी के बाहर करीबन एक घंटा वहाँ पर रुके थे, तो अंदर नहीं जा सके हम, तो वहाँ से ही हमें लौटना पड़ा, हमारा जो भी गांव था तो गांव तक हमें लौटना पड़ा। तो ये सभी दिक्कत हो जाती है, तो आपको ये सभी कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर एचआर का आपके पास ऑफर लेटर है या फिर उसका कुछ मेल वगैरह आपके पास है तो तभी आप वहाँ पर उस कंपनी के विजिट के लिए जाइए और इंटरव्यू के लिए जाइए, अदरवाइज आप वहाँ पर मत जाइए क्योंकि आपको ऐसे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बाद में क्या करना चाहिए आपको, फर्स्टली आपको रिज्यूम हर जगह पर रिज्यूम अपलोड करना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। बाद में क्या करना चाहिए, जहां पर इंटरव्यू का कॉल आता है, समझ लीजिए आपको एक का कॉल आ गया कि इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो, तब आपको वहां पर इंटरव्यू जाना चाहिए। फार्मेसी के अंदर क्या होता है फ्रेंड, ज्यादातर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, ताकि आपको वहां पर जाकर फेस टू फेस इंटरव्यू देना होता है, वहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद सिटी में गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर मेरे साथ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा गया, या फिर आपका जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है वो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट क्या था उसके बारे में हमें बताइए, तो इसके बारे में भी आपको बताना होता है। ये इंग्लिश में इंटरव्यू चलता है लेकिन मैं आपके साथ हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम यानी कि सभी मीडियम के लिए होता है फ्रेंड्स, सॉरी, तो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है हर जगह तो आपको पता है, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बस इतना ही। एक बार आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर आप जहाँ पे जाते हो तो वहाँ पर हिंदी चलती रहती है, आपकी जो भी मदर टंग है वो वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको इंग्लिश आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन बताना भूल गया मैं, तो क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट मुझे तो वो प्रोजेक्ट
के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में वहां पर आपका जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा तो वो तो आपको अच्छे से देना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एचपीएलसी क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो इस सभी बारे में जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, कुछ दिन के बाद मुझे मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया है, तो एचआर राउंड के लिए आप आ सकते हो। तो एचआर राउंड में सैलरी के बारे में डिस्कशन होता है कि आपको कितनी सैलरी होनी चाहिए क्या नहीं, तो इन सब के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता रहता है। तो बस आपको यही बात बताना है कि फ्रेंड्स आप अपडेट रहिए, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी हमारा चैनल है, तो चैनल के ऊपर यहाँ पर हम जो भी जॉब रिलेटेड वीडियोज यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब हो गया, तो उसके बारे में बताते रहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपको अपडेट मिलेगी आप तुरंत ही वहां पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।